टुडे इन स्टैटिक्स वी विल लर्न अबाउट पाई चार्ट नाउ व्हाट इज पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टैटिकल डाटा इन ए सर्कल इज कॉल्ड ए पाई चार्ट जब कभी स्टैटिकल डाटा को हम एक सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं उसे चार्ट के नाम से जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा इन ए सर्कल Is called a pie chart. Now, it is very important to learn. Pie chart of each items depends on its central angle, or central angle or sector angle. It is called central angle or sector angle. Both. The central angle of total is always 360 degree. यानी टोटल का फ्रीक्वेंसी के सम टोटल का सेंट्रल एंगल हमेशा 360 डिग्री एंगल पर रिप्रेजेंट किया जाता है और मेन चीज़ ये है कि पाई चार्ट के लिए और द तो फॉर्मेशन ऑफ चार्ट डाटा शुड भी अनक्लासीफाइड डाटा शुड भी अनक्लासीफाइड डाटा जो है वो अनक्लासीफाइड होगा क्लासीफाइड डाटा का पाई चार्ट नहीं जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं वर्कशीट टू क्वेश्चन नंबर वन इसमें है नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट ट्रीज इन एन औरड आर गिवेन बिलो किसी बगीचे में विभिन्न तरह के फलों के वृक्षों की संख्या निम्न प्रकार है और ये संख्या जो है वह परसेंटेज में है नेम ऑफ ट्रीज एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन परसेंटेज मैंगो ट्री इट इज फिफ्टी परसेंट पियर्स ट्री इट इज ट्वेंटी परसेंट गवाभा ट्री इट इज ट्वेंटी परसेंट पपाया ट्रीज इट इज़ टेन परसेंट ना वी हैव टू फाइंड ए पाई चार्ट फ्रॉम दिस अन डाटा इस अनक्लासीफाइड डाटा से एक पाईचार्ट बनाना है सोल्यूशन पाईचार्ट बना रहे हैं इसके लिए पाईचार्ट बनाने के लिए हम तीन कॉलम लेंगे फर्स्ट टू कॉलम में क्वेश्चन से ही नेम ऑफ ट्रीज एंड नंबर ऑफ़ ट्रीज इन परसेंटेज ये दोनों क्वेश्चन में ही दिया हुआ है नोट करते हैं नेम ऑफ ट्री मैंगो पियर्स वाबा पपाया और नंबर ऑफ़ ट्रीज इन परसेंटेज ये भी दिया हुआ है मैंगो फिफ्टी परसेंट पियर्स ट्वेंटी परसेंट वाभा ट्वेंटी परसेंट एंड पपाया टेन परसेंट और थर्ड कॉलम में हम डालते हैं सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल बुक में सेक्टर एंगल लिखा हुआ है तो आप सेक्टर एंगल लिख सकते हैं या सेंट्रल एंगल लिख सकते हैं एंगल मेजर्ड एट सेंटर दैट इज सेंट्रल एंगल सम ऑफ यानी इट इज़ हंड्रेड टोटल हंड्रेड टोटल का सेंट्रल एंगल थ्री सिक्सटी डिग्री पहले ही बतलाए हैं तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल टोटल क्या है तो 100 टोटल हंड्रेड इट इज थ्री सिक्सटी डिग्री धीआर फोर सेंट्रल एंगल ऑफ यूनिट वन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई टोटल थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड यानी थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री यानी वन का वन का सेंट्रल एंगल थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री तो अब हर एक आइटम का सेंट्रल एंगल हम नोट करते हैं मैंगो फिफ्टी परसेंट सेंट्रल एंगल तो फिफ्टी इंटू थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री पियर ट्वेंटी परसेंट सेंट्रल एंगल ट्वेंटी इंटू थ्री पॉइंट सिक्स सेवेंटी टू डिग्री यानी यूनिट का सेंट्रल एंगल से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे सेंट्रल एंगल ऑफ वाभा ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी इंटू थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री दैट इज सेवेंटी टू डिग्री सेंट्रल एंगल ऑफ पपाया टेन परसेंट टेन इंटू थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री दैट इज थर्टी सिक्स डिग्री सबका सेंट्रल एंगल निकल गया अब हम चार्ट ड्रॉ करते हैं तो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे तो किसी भी रेडियस का ये नहीं कि दो सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर चाहे किसी भी रेडियस का अननोन रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे किसके द्वारा कंपास के द्वारा किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कंपास के द्वारा ये जो हम चार्ट बनाएंगे यहाँ हम केवल और केवल पेंसिल का व्यवहार करेंगे तो किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किए एक रेडियस को ड्रॉ किए एक रेडियस को ड्रॉ किए पहला सेंट्रल एंगल मेरा है यहाँ पर 180 डिग्री तो 180 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो सीधे इस रेडियस को आगे प्रोड्यूस कर दिए यानी डायमीटर ड्रॉ कर दिए तो ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा और 180 डिग्री किसका है तो मैंगो का तो यहाँ पर डिग्री नहीं लिखना है डिग्री यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर केवल आइटम का नाम लिखेंगे मैंगो नेक्स्ट पियर्स सेवेंटी टू डिग्री अब सेंटर पर इस पॉइंट पर इस लाइन के इस लाइन पर सेवेंटी टू डिग्री का एंगल कंपास से नहीं अब यहाँ जो भी एंगल बनाएंगे वो प्रोटेक्टर से कंपास का यूज नहीं करेंगे इसमें कंपास का यूज़ नहीं करना है प्रोटेक्टर से इस पॉइंट पर इस लाइन के इस पॉइंट पर 72 डिग्री एंगल बनाएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे प्रोड्यूस करेंगे इसे सर्कल से बाहर नहीं ले जाएंगे मान ली यहाँ पर है तो यहीं तक लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे बाहर नहीं लाएंगे ये 72 डिग्री एंगल का प्रोटेक्टर से बनाए हैं इसमें पी आर नेक्स्ट गुआभा 72 टू डिग्री गुआभा 72 टू डिग्री तो फिर यहाँ अब सेंटर के सेंटर पर यहाँ पर इस लाइन पर इस लाइन पर ना, ना कि इस लाइन पर इस लाइन पर अब सेवेंटी टू डिग्री का एंगल बनाएंगे सब वो यहाँ पर आता है 72 टू डिग्री तो so, सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे और ड्रॉ करेंगे लाइन तो यहीं तक लाइन ड्रॉ करेंगे आगे नहीं ले जाएंगे ये एंगल सेवनटी टू डिग्री बन गया और इसमें लिख देंगे ग्वाभा एंगल का मेजरमेंट यहाँ नहीं लिखेंगे रिमेनिंग जो बच गया वो हो गया पापाया तो ये मेरा तैयार हो गया चार्ट इस अनक्लासिफाइड डाटा का इस अनक्लासिफाइड डाटा का चार्ट ये बन गया एक और बनाते हैं वर्कशीट टू क्वेश्चन नंबर टू द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन रुपीज इज गिवेन बिलो एक परिवार का मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कहता है इससे ड्रॉ ए चार्ट फ्रॉम द गिवन डाटा मंथली एक्सपेंडिचर का पाईचार्ट ड्रॉ कीजिए क्या है मंथली एक्सपेंडिचर में अनुमान है क्या सब खर्च का आइटम और अमाउंट इन रूपीज एक्सपेंडिचर जो है वो क्या सब है तो रेंट में तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फूड में थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्लॉथिंग में वन थाउजेंड टू हंड्रेड एजुकेशन में टू थाउजेंड वन हंड्रेड और अदर्स टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इसका इस डाटा का इस अनक्लासिफाइड डाटा का एक पाईचार्ट तैयार करना है तो सबसे पहले पाईचार्ट बनाने के लिए हम फिर वही रिपीट कर रहे हैं तीन कॉलम बनाएंगे कॉलम वन टू एंड थ्री फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे आइटम्स सेकेंड कॉलम में लिखेंगे एक्सपेंडिचर और थर्ड कॉलम में सेंट्रल एंगल ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है दोनों तो ये फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम क्वेश्चन वाला नोट कर दिए अब सेंट्रल एंगल निकालना है तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए पहले इसका टोटल कर देते हैं टोटल सम कर दिए इसका टोटल टेन थाउजेंड एट हंड्रेड इसका सम हो गया टेन थाउजेंड एट हंड्रेड अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे तो लिखेंगे सिंस सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल टोटल का सेंट्रल एंगल टोटल कितना टेन 10,800 एट हंड्रेड टेन एट हंड्रेड का सेंट्रल एंगल थ्री सिक्सटी डिग्री टोटल का सेंट्रल एंगल हमेशा थ्री सिक्सटी डिग्री सेंट्रल एंगल ऑफ यूनिट वन वन का सेंट्रल एंगल कितना तो थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई टोटल थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड एट हंड्रेड दैट इज वन बाय थर्टी डिग्री यूनिट वन का सेंट्रल एंगल निकल गया तो अब एक आइटम का, का सेंट्रल एंगल निकालते हैं तो सेंट्रल एंगल ऑफ रेंट तो 1500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट का सेंट्रल एंगल वन बाय थर्टी दैट इज गिफ्टी डिग्री वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट का सेंट्रल एंगल वन बाय थर्टी दैट इज 50 डिग्री सेंट्रल एंगल ऑफ रेंट फिफ्टी डिग्री सिमिलरली सेंट्रल एंगल ऑफ फूड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इंटू यूनिट का सेंट्रल एंगल वन बाय थर्टी यूनिट के सेंट्रल एंगल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी में दैट इजक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री सेंट्रल एंगल ऑफ क्लॉसिंग वन थाउजेंड टू हंड्रेड तो वन थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू सेंट्रल एंगल ऑफ यूनिट वन बाय थर्टी दैट कल टू फोर्टी डिग्री सेंट्रल एंगल ऑफ एजुकेशन तो टू थाउजेंड वन हंड्रेड इंटू वन बाय थर्टी दैट टू सेवेंटी डिग्री सेंट्रल एंगल ऑफ अदर्स टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू वन बाई थर्टी थर्टी डिग्री सेंट्रल एंगल निकाल ले अगर सारे सेंट्रल एंगल को अगर हमें ऐड कर दे तो थ्री सिक्सटी हो जाएगा ये होना भी चाहिए अगर नहीं है तो इसका मतलब कहीं गलती हो गया सबका सेंट्रल एंगल निकल गया एग्जामिनर जनरली यही चेक करता है कि सेंट्रल एंगल सही है या कि नहीं यदि सेंट्रल एंगल सही है सेंट्रल एंगल ऐसे चेक करता है सेंट्रल एंगल सही है तो फुल मार्क्स दे देगा अब किसी भी रेडियस का एक पाई चार्ट बना रहे किसी भी रेडियस का एक आर्ट ड्रॉ किए किसी भी रेडियस का चाहे वो टू पॉइंट फाइव 4 फोर सेंटीमीटर कि थ्री होगी थ्री पॉइंट फाइव हो कोई भी रेडियस अन रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे किसी एक रेडियस को ज्वाइन करते हैं किसी एक रेडियस को ज्वाइन करते हैं अब सेंटर के इस पॉइंट पर सेंटर पर इस लाइन के इस पॉइंट पर पहला सेंट्रल एंगल है फिफ्टी फिफ्टी डिग्री एंगल बनाते हैं किसके द्वारा प्रोटेक्टर के द्वारा प्रोटेक्टर के द्वारा अगर फिफ्टी यहाँ आता है प्रोटेक्टर को हटाए इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाए और लाइन ड्रॉ किए लाइन ड्रॉ किए यहीं तक रखेंगे आगे नहीं बढ़ाएंगे इसमें लिख दिए रेंट यहाँ फिफ्टी नहीं लिखना है यहाँ लिख दिए रेंट फिर सेकेंड फूड का सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री अब इस लाइन के इस पॉइंट पर सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना है वन डिग्री सपोज यहाँ आ गया इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन किया और लाइन ड्रॉ किए लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो यहीं तक रखेंगे आगे नहीं ले जाएंगे इसमें लिख दिए फूड यहाँ 120 नहीं लिखना केवल लिख देंगे फूड आइटम का नाम फिर अब इस लाइन के इस पॉइंट पर तीसरा सेंट्रल एंगल है फोर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री बनाए सपोज यहाँ आया इस दोनों दो पॉइंट को ज्वाइन किए और इसको इसमें लिख दिए क्लॉथिंग आगे नहीं पड़ा है ना ही यहाँ पर मेजरमेंट दिए फोर्टी केवल लिख दिए क्लॉथिंग फिर अब इस लाइन के इस पॉइंट पर फोर्थ सेंट्रल एंगल है सेवनटी तो सेवनटी डिग्री का एंगल बना है सपोज यहाँ आधा सेवनटी इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किए यहीं तक छोड़ दिए और हाँ इसमें लीजिए एजुकेशन यहाँ सेवेंटी नहीं लिखना है एजुकेशन आगे ही इसको आगे बढ़ाना है रिमेनिंग जो बच गया दैट इज अदर्स ये जो चार्ट हो गया ये सारा वर्क इसमें पेंसिल का ही व्यवहार होगा पेन का व्यवहार कहीं नहीं ये जो चार्ट है किसका है चार्ट इस अनक्लासीफाइड डाटा का इस अनक्लासीफाइड डाटा का यानी ये एक्सपेंडिचर जो है फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर उसका चार्ट है यानी इस इस एक्सपेंडिचर को हम सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिए इट इज़ कॉल्ड पाई चार्ट तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे तो कम से कम एक ज़रूर बनाइए इट इज योर एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू टू प्रिपेयर वन पाई चार्ट थैंक यू